क्या हुआ, कैपिटल खत्म हो चुका है पूरी तरह से एंड नहीं समझ आ रहा है भैया क्या करना है, सुसाइड करने का मन हो रहा है पूरी तरह से। मैं बताता हूं, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज है मेरे पास जहां से आप कैपिटल अपनी रिकवर कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको ध्यान से उनको सुनना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन पहली स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं और इस स्ट्रेटजी का नाम है दोस्त को आपको फंसाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे फंसाना है यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताऊंगा, तो बड़े ध्यान से सुनेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज चाहिए भैया, अपने दोस्त के खिलाफ एक बहुत ठोस सबूत, ठीक है। अब चाहे वो उसका भाई कोई भी लड़की वड़की के साथ अफेयर है या ठीक है वाली फोटो आप खींच लीजिए, ठीक है, किसी लड़के के साथ स्माइल करते हुए आप पकड़ लीजिए उसको, उसकी फोटो ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आते हैं। अगर उसकी बंदी है तो ट्राई करेगी भैया उसकी बंदी को आपको जो है ये चीज़ें भेजने की, थोड़ा सा उसको बोलना है, ठीक है। अगर नहीं है उसकी बंदी तो कोई की दिक्कत नहीं भाई, उसके मम्मी पापा का कहीं से नंबर जुगाड़ कर लीजिए, उसके फोन वोन से चोरी वोरी कर लीजिए वो नंबर, और धमकी दीजिए कि भैया मैं आपके जो है माता श्री पिता श्री को आपकी फोटो फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये बहुत ही ठोस सबूत हो जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे अपने हिसाब से अपने ठोस सबूत निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको ब्लैकमेल करना शुरू करिए, ठीक है, धीरे धीरे करके स्टार्ट, एकदम से पैसे मांगने मत कर देना कि भैया ठीक है तू मेरे को 20-30 हज़ार पे मैं ये फोटो डिलीट कर दूंगा। वो कहाँ से लेगा वो गरीब, ठीक है, उसके खुद के पास नहीं होंगे भाई 2-3 हज़ार से ज्यादा, आपको कहाँ से 20-30 हज़ार दे देगा, ठीक है। तो ये मत करिएगा, स्टार्टिंग में ऐसा रखिएगा कि हल्का हल्का कि चल चल आज तू पार्टी देगा, आज तू कुछ खिलाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, आज तू कुरकुरा खिला भाई, आज तू चिप्स खिला, ऐसे धीरे धीरे करके आपको जो है वो थोड़ा सा मजबूती लानी है उस चीज में लेके कि हाँ कि अब आप उसको धीरे धीरे करके ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको समझ में आने लगे कि हाँ भाई मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, ठीक है। ये चीज पे आपको गौर करना होगा। अब धीरे धीरे क्या करना है कि कुछ टाइम बाद, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आपको जो है धीरे धीरे आप पैसे मांगना चालू कर दे रहे हैं कि भाई मेरे पास जो है रिचार्ज के पैसे नहीं है, 200 रुपए करिए जरा पेटीएम भेजो, भेजो तेरी फोटो, भेजो तेरी फोटो, ऐसे करके आपको उसको धमकाना है पूरी तरह से, ठीक है। अब वो धीरे धीरे प्रेशर में तो आएगा ही आएगा, फिर एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि शायद वो बोले कि अरे यार तू भेज ही दे, ठीक है, मैं देख लूंगा जो भी करना है। तो आपको फिर उस समय और ठोस सबूत आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब वो क्योंकि सतर्क हो जाएगा कि अरे यार ये तो भाई मेरी चाजूसी वाजूसी कर रहा होगा, तो मैं अब थोड़ा सा ध्यान से करूंगा जो भी करूंगा। तो इसके लिए आपको जो है पहले से ही ये सबूत इकट्ठे करने हैं। तो उस समय जब आप पहला सबूत इकट्ठा करेंगे तब एक नहीं आपको 3-4 सबूत इकट्ठे करने हैं। या क्या क्या हो सकता है वो मैं थोड़े से एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे कि एक तो है कि भाई किसी लड़की के साथ उसकी फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, ठीक है। दूसरा उसकी चैट का स्क्रीनशॉट आप जुगाड़ करो भैया, ठीक है, अपने फोटो वोटो लेके रख लो, ठीक है। तीसरा सबूत आप क्या बना सकते हैं, तीसरा सबूत कि भैया वो क्या क्या कंटेंट देखता है, ठीक है, कुछ कंटेंट देखते हुए पकड़ा गया कुछ भी ऐसा देखी आपने, तो उसकी फोटो वोटो ले लो, वीडियो ले लो, ठीक है। अगर वो वेजिटेरियन है तो गलती से अगर चिकन खाता हुआ पकड़ लिया आपने, तो ऐसे करते हुए आपको जो है 3-4 सबूत बढ़िया से इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, देखो ट्रिक लगानी पड़ेगी, देखो स्ट्रेटजी ऐसे ही वर्क करती है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो उससे पहले आपको जीवन में कुछ आपको तिगड़म तो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको जो सबूत इकट्ठे कर लेना, अब वो फंस चुका है पूरी तरह से। आप एक सबूत तो उसको पहले दिखाएंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं डरता अब इससे, तो आप दूसरा सबूत दिखा दीजिए। जब वो बोलेगा मैं इससे भी नहीं डरता, तब आप तीसरा सबूत दिखा दीजिए, चौथा सबूत दिखा दीजिए, अब वो पक्का डरेगा। अब आपको जो है धीरे धीरे पैसा बढ़ाने का वो चालू कर देना। और आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको जो है पैसे मांगने हैं, घर वाले जनरली स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही पैसे भेजते हैं, तो आपको उस समय ही पैसे मांग लेने हैं जब उसके पास पैसे हो, तो धीरे धीरे करके मांगने। अब एकदम से 20-30 हज़ार नहीं, स्टार्टिंग में 2,000 रुपये 3,000 रुपये, ठीक है, ऐसे करते करते थोड़े थोड़े आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, और 6-7 महीने के अंदर आपके पास एक थोड़ा ठीक ठाक सा शायद 10-15 हज़ार के आसपास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, एंड उस कैपिटल से आप जो है स्टॉक मार्केट में फिर ट्रेडिंग करना दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। अगली स्ट्रेटजी में मैं बताऊंगा कि भैया घर पे कैसे आपको जो है तगड़ा में लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा वो और यूनिक स्ट्रेटजी है, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। इस वीडियो पे एम करते हैं भैया 100 लाइक्स का, 100 लाइक्स हो जाते हैं तो अगली स्ट्रेटजी भी रिवील कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक और वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, कैसे कौन से आपके ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन जो आप जो है बेच सकते हैं ताकि आपके पास कैपिटल आ जाए, वो भी बहुत बढ़िया सा, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए इंतजार करिए। फिलहाल इस वीडियो में रोकते हैं, तुम लोग बाय।